आज के मुसलमान को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि कैसे हालात चल रहे हैं, कैसी परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं। फिर भी आज का मुसलमान बड़ा गाफिल है। ए मेरे भाई, तू गाफिल क्यों है? तुझे किसने गाफिल कर दिया? तेरा रब भी तुझे कुरान करीम के अंदर कह रहा है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे रब करीम की तरफ से किस चीज ने गाफिल कर दिया? क्या इस दुनिया ने तुझे तेरे रब की तरफ से गाफिल कर दिया? क्या इस दुनिया की शोहरत ने, इस दुनिया की कामयाबी ने जो खत्म हो जाएगी, क्या उस गुनाह की लज्जत ने जो खत्म हो जाएगा, जो बाकी नहीं रहता, इस गुनाह की लज्जत ने तुझे रब करीम की तरफ से गाफिल कर दिया? क्या उस दुनिया ने तुझे तेरे रब करीम की तरफ से गाफिल कर दिया जिसने इस दुनिया को बनाया है, और बनाने के बाद क्या कहा कि मेरे नजदीक इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जिस दुनिया को तुमने आज सरों का ताज बनाया हुआ है, जिस दुनिया के पीछे तुमने अपने रब को छोड़ दिया है, जिस दुनिया के पीछे तुमने उस रसूल को छोड़ा है जो हमारे लिए रातों को रोया है, क्या ये दुनिया तुम्हें नजात दे देगी? क्या ये दुनिया तुम्हें अपने रब की पकड़ से बचा लेगी? तुम समझते क्यों नहीं हो? समझ में बात क्यों नहीं आती? दुनिया की बातें तो तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। दुनिया को बड़ी जल्दी समझ लेते हो, दीन को क्यों नहीं समझते? कुरान को क्यों नहीं समझते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीसों को क्यों नहीं समझते? ऐसा ना करो मेरे भाई, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, बड़े पछताओगे। रसूल तुम्हारे लिए रोया है, रसूल तुम्हारे लिए तड़पा है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें इसीलिए भेजा है कि हम अपने रब को राजी करें। इतना बड़ा बड़ा झटका लगा है हमें, इतना बड़ा हालात हमारे ऊपर आए हैं कि हमें मस्जिदों से रुकना पड़ा, हमें मस्जिदों से रुकना पड़ा। हमारा पूरा रमजान जो हमारी इबादत में गुजरना चाहिए था, हम उससे महरूम रहे। क्यों रहे? क्या वजह है? क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ? क्यों मस्जिदों में ताले लगे? क्यों मस्जिदें बंद हुई? क्यों मदारिस बंद हुई? क्यों दीन पर चलना मुश्किल हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमने आमाल को छोड़ दिया था। हम मस्जिद में आने की ताकत रखते थे, हम मस्जिदों में नहीं आए। हम मस्जिदों में आने की ताकत रखते थे, हम मस्जिदों में नहीं आए। हज करने की ताकत रखते थे, हमने हज नहीं किया। तो अल्लाह फिर वो जो है ना कि जो लोग हज करने की ताकत रखते हो हज ना करें, जो लोग नमाज पढ़ने की ताकत रखते हो नमाज ना पढ़ें, मस्जिदों में जाने की ताकत रखते हो मस्जिद में ना जाएं। तो अल्लाह ताला ऐसे हालात ले आएंगे कि वो चाह कर भी मस्जिदों में नहीं आ सकते, चाह कर भी हज नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने ऐसा ही दिखाया। अब क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी मस्जिदें हमेशा के लिए बंद रहे? अल्लाह ने दिखा तो दिया, और क्या देखना चाहते हो? इससे बड़ा और क्या देखना चाहते हो? इससे बड़ा और क्या हादसा देखना चाहते हो? मेरी नजरों में इससे बड़ा हादसा कोई नहीं है कि हमारे लिए हमारी ही मस्जिदें बंद हो गई, नमाजें पढ़नी दुश्वार हो गई। क्यों हुआ मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे प्यारे, ये क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि हमने मस्जिदों को छोड़ा है, हमने नमाज को छोड़ा है। और अब भी हमारी समझ में बात नहीं आ रही, अब भी हम नहीं समझ रहे ये मस्जिदें क्यों बनाई है,
इनको क्यों तामीर किया गया है? इनको इसीलिए तो तामीर किया गया है कि ताकि इनके अंदर नमाज पढ़ी जाए। कि तेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तू पांच वक्त की नमाज पढ़ ले, इतना वक्त तेरे पास नहीं है। जिसने तुझे बनाया है, पैदा किया है, तुझे तंदुरुस्ती दी है, हाथ पांव दिए हैं, हर चीज को तेरी दुरुस्त बनाया है, उस रब के लिए तेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तू उसके सामने झुक जाए, आकर पांच वक्त की नमाज पढ़ने। नमाज के बिना गुजारा नहीं है, दिन बाकी नहीं रहेगा अगर नमाज नहीं है। नमाज दिन का सुतून है, इस सुतून को बनाओ, इसको मजबूत करो, इसको ना तोड़ो। नमाज के बगैर दिन बाकी नहीं रह सकता। जिस तरह सुतूनों के बगैर लिंटर कायम नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा, वो कमजोर रहेगा, इसी तरह दीन के बगैर, नमाज के बगैर दीन बाकी नहीं रह सकता। नमाज दीन में इस तरह ही, जिस तरह इंसान के बदन पर सर है, सर ना हो तो इंसान बाकी नहीं रह सकता, और दीन में नमाज ना हो तो दीन बाकी नहीं रह सकता। इसलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे, नमाजों को शुरू कर दो, ऐसा ना करो, नमाजें ना छोड़ो। पांच वक्त की नमाज पढ़ने पर कौन सी दुश्वारी आ जाती है तुम्हारे ऊपर? रब के सामने झुको तो सही, रब के सामने झुको तो सही, नमाजें पढ़ो तो सही, तमाम हालात खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे, इतने हालात आ गए, इन हालात से अब सबक हासिल करना चाहिए। अब तो बल्कि हमारे ईमान में और इजाफा हो जाना चाहिए कि कैसे हालात हमारे ऊपर आ गए। अब तो हमारी नमाजें छूटनी भी नहीं चाहिए, फिर भी हमारी नमाजें छूट रही हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। ऐसा करेंगे तो मेरे भाई बड़े खसारे में आ जाओगे। इसलिए मेरे भाई, जिसकी नमाज अच्छी होगी उसके आमाल अच्छे होंगे, और जिसकी नमाज ना हुई उसके आमाल भी अच्छे ना होंगे।